इस टाइप की यह पिक्चर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप इस टाइप की बीच वाली AI कपल्स पिक्चर्स को आप कैसे जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों को इमेज क्रिएट करने के लिए अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है। एंड यहाँ सर्च बार में आप लोगों को सर्च करना है बीइंग इमेज क्रिएटर। सर्च करने के बाद जो है जो फर्स्ट वाला साइट आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे तो आप लोग को इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है जो यहाँ पे। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को अपने अकाउंट को साइन इन करना है। तो आप लोग अपने अकाउंट को जो है यहाँ से साइन इन कर लेना। तो मैं फटाफट से अपने अकाउंट को जो है साइन इन कर लेता हूँ। तो व्यूअर, मैंने अपने अकाउंट को जो है यहाँ से साइन इन कर लिया है। एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है आप लोग को एक प्रॉम्प्ट को लिखना है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट को पहले से कॉपी करके रखा है एंड अब मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। एंड ये वाला जो प्रॉम्प्ट है आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेना। तो पेस्ट करने के बाद जो है आप लोग को इसमें थोड़ा सा एडिट करना है। जहाँ पे मैंने वासु लिखा है वहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना। एंड जहाँ पे रिनू लिखा है वहाँ पे आपको अपने पार्टनर का नाम या अपने गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। तो उसके बाद जो है इतना लिखने के बाद जो है आप लोग को सिंपली क्रिएट के बटन पे दबा देना। जैसे ही आप लोग क्रिएट के बटन पे दबाओगे ये कुछ सेकेंड्स लेगा एंड आप लोग का इमेज जो है जनरेट होने पर लग जाएगा। सो थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, लगभग आप लोग को 10 से 15 सेकेंड्स वेट करना है एंड हम लोग का इमेज जो है जनरेट होके आ जाएगा। सो इतना तो हम लोग वेट कर सकते हैं। तो व्यूअर, आप सब देख सकते हैं हम लोग का इमेज जो है जनरेट होके आ चुका है। तो इन इमेज को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोग को इमेज पे टैप करना होगा, आप लोग को जो भी इमेज पसंद आए। तो सपोज़ कीजिए मुझे ये वाला इमेज पसंद आ गया, तो मैं इसमें टैप कर दूँगा। एंड टैप करने के बाद जो है हम लोग को कुछ सेकेंड्स वेट करना है। एंड आप लोग को जो है नीचे यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिलेगा। सो यहाँ से आप लोग को क्लिक कर देना एंड डाउनलोड के बटन पे दबा के इसको भी डाउनलोड कर लेना। इतना करने के बाद जो है आप लोग का इमेज डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप लोग को बैक आ जाना है। अगर जो है आप लोग को इसमें से कोई भी इमेज अगर अच्छा नहीं लगता तो आप इसे दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। दोबारा रीजनरेट करने के लिए आपको फिर से क्रिएट के बटन पर दबा देना एंड फिर से आप लोग को कुछ सेकेंड्स वेट करना है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो व्यूअर, आप सब देख सकते हैं हम लोग का इमेज जो है दोबारा रीजनरेट होके आ चुका है। तो आप लोग को इसमें से कोई भी अगर इमेज अच्छा लगता है तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद जो है सपोज़ कीजिए कि मुझे ये वाला फिर से पसंद आ गया, तो इसको डाउनलोड करने के लिए मुझे जो है 3 डॉट पर टाइप करना एंड डाउनलोड करना। इसी तरह से आप लोग को भी इमेज को जनरेट करना है एंड डाउनलोड करना। सो आई होप ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।